नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में दहशत है। दक्षिण अफ्रीका के बाद कई और देशों में भी बेहद खतरनाक माने जा रहे इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इस बीच भारत में भी केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बैठक के दौरान क्या कुछ चर्चा की, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्टिंग ट्रेसिंग बढ़ाने के साथ ही कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने और वैक्सीनेशन कवरेज में तेजी लाने की सलाह दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे लेटर में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि राज्य को कोविड हॉटस्पॉट की निगरानी जारी रखनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि एहतियात के तौर पर जिन देशों में ये वेरिएंट पाया गया है उनकी पहचान कर जोखिम वाले देशों के रूप में कर ली गई है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अतिरिक्त उपाय अपनाए गए हैं। माना जा रहा है कि नया वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलने और इम्यून सिस्टम को मात देने में सक्षम है। इस वजह से कई देशों ने दोबारा यात्रा प्रतिबंधों जैसे उपायों को अपनाना शुरू कर दिया है। बोत्सवाना, हांगकांग, साउथ अफ्रीका के अलावा नया वेरिएंट यूके, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, इटली, जर्मनी, इजराइल और नीदरलैंड में पाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये जरूरी है कि बीमारी पर निगरानी का नेटवर्क तैयार रहे और सभी देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, खासकर रिस्क कैटेगरी वाले देशों से आने वाले की निगरानी की जाए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए आने वाले यात्रियों के पिछले यात्रा विवरण को प्राप्त करने के लिए पहले से तंत्र मौजूद है। इसकी आपके स्तर से समीक्षा होनी चाहिए और मंत्रालय की ओर से दिए गए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए, जिसमें जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच शामिल है। पॉजिटिव पाए जाने वाले सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। राजेश भूषण ने इस लेटर में टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पर्याप्त जांच और टेस्टिंग गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किए जाएं। कोविड हॉटस्पॉट की निगरानी की जाए जहां ज्यादा संख्या में केस आ रहे हैं। ऐसे हॉटस्पॉट में टेस्टिंग और पॉजिटिव सैंपल को तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना सुनिश्चित किया जाए। राज्यों को पॉजिटिविटी रेट 5% से कम करने के लक्ष्य को भी हासिल करना चाहिए। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एंट्री कर दी है, जिसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है और इसी कड़ी में केंद्र ने राज्य सरकारों को अलर्ट कर सावधानियां बरतने को कहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।